The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। गैंगस्टर पूर्वी मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस का शिकंजा कस गया है। आज पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे उसके बेटे फिरोज उर्फ भूरा को गिरफ्तार कर लिया है। उसे थाना खरखोदा लाकर बाकी फरार अभियुक्त याकूब कुरैशी व भाई इमरान कुरैशी कहां छिपे हैं इसकी जानकारी ली जा रही है। माना जा रहा है कि अब जल्द ही पुलिस के हाथ बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी व उसके बेटे इमरान के गिरेबान तक पहुंच जाएंगे। याकूब, फिरोज व इमरान पर पुलिस ने 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। दरअसल कुछ समय पूर्व पुलिस व प्रशासनिक अफसरों ने भारी दलबल के साथ हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्ट्री पर छापा मारा था। यहां बड़े पैमाने पर मीट का कटान व पैकेजिंग हो रही थी। गंभीर बात यह है कि इस फैक्ट्री को मेरठ विकास प्राधिकरण सील कर चुका है, बावजूद इसके वहां इतने बड़े पैमाने पर अवैध कारोबार चल रहा था। वहां से करीब 5 करोड़ रुपये का मीट बरामद हुआ था। इस पर पुलिस ने याकूब, इमरान, पत्नी शमसिदा, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब के खिलाफ गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों को पकड़ने के लिए एसटीएफ की टीम को भी लगा दिया है। याकूब कुरैशी व उसके बेटों की अभी तक गिरफ्तारी ना होने पर भी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे थे। आरोप लग रहे थे कि पुलिस आरोपियों को कोर्ट जाने का पूरा मौका दे रही है, उसकी एवज में मोटी धनराशि ली गई है। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने यह जानकारी दी। ये थाना खरखोदा पुलिस के द्वारा और नगर क्षेत्र की अपराध टीम के द्वारा खरखोदा पर पंजीकृत गैंगस्टर अधिनियम में वांछित चल रहे फिरोज कुरैशी की आज जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तारी की गई है, जिसे थाना खरखोदा लाकर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। उस अभियुक्त की गिरफ्तारी पर पूर्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के द्वारा 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया गया। देखिए, गैंगस्टर अधिनियम कुल 7 व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था, जिसमें अब तक 3 की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 4 अन्य की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित हैं, शीघ्र ही उनकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित कराई जाएगी। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।